मेरी पहली वीडियो में मैंने आपके साथ एक सॉल्ट क्लेंस शेयर किया था। आज मैं आपको माइंड बॉडी एंड सोल को क्लेंस करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ, जिसे आप सुबह उठकर अपने पलंग पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। उसके बाद आप एक बैग इमेजिन कीजिए गुब्बारे के शेप का, जिसका मुंह एक वैक्यूम क्लीनर की तरह है। अब आपको उस बैग को अपने मूलाधार के नीचे महसूस करना है, बिल्कुल जहां आप बैठे हैं उसके नीचे। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अब कल्पना कीजिए कि वो वैक्यूम क्लीनर आपके शरीर की सफाई कर रहा है। जिस तरह से एक वैक्यूम क्लीनर पूरे घर को साफ करता है, उसी तरह से ये आपके शरीर से सारे टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, सब तरह के रोग को खींच कर अपने अंदर ले रहा है। पूरी तरह से आपके शरीर में जिन चीजों की जरूरत नहीं है, उन सब को वो खींच के अपने अंदर ले रहा है। अब अपना ध्यान उन अंगों पे केंद्रित कीजिए जहां आपको कोई रोग, सूजन या दर्द है, और महसूस कीजिए कि उस सब को उसने खींच के अपने अंदर समा लिया है और वो पूरा ऑर्गन पहले की तरह निरोग हो गया है। एक बार वो अपने आपके शरीर की सारी रोगों को अपने अंदर खींच ले, आपके पूरे शरीर को स्वच्छ कर दे, तो अपना ध्यान अपने मन पे केंद्रित कीजिए। आपके मन की तहों से वो सारे नकारात्मक विचारों को खींच खींच कर अपने अंदर ले रहा है। पूरी तरह से खाली कर दीजिए, उड़ेल दीजिए सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, हर वो नकारात्मक चीज जो किसी भी तरह आपको परेशान कर रही है, खींच खींच के वो उन सब को अपने अंदर ले रहा है। जब आप अपने पूरे शरीर और मन से स्वच्छ महसूस करें, तो अपना ध्यान अपने आभा मंडल या ऑरा पे केंद्रित कीजिए। आप वो आपकी ऑरा की सारी नेगेटिविटी को खींच खींच कर अपने अंदर ले रहा है। कोई भी किसी ने भी आपके लिए कुछ सोचा हो, आप कहीं गए हो जहां से आपने कोई भी नेगेटिव एनर्जी पिकअप की हो, वो सब की सफाई कर रहा है। हर वो चीज जिसकी आपको जरूरत नहीं है, आपके मन से, आपके शरीर से और आपके आभा मंडल से उसने खींच के अपने अंदर समा ली है। अब आप पूरी तरह से स्वच्छ हैं। आप कल्पना कीजिए कि आपने उस गुब्बारे की शेप के बैग का मुंह बांध दिया है और फिर धीरे धीरे उसे धरती की ओर धकेलिए, जहां से वो धरती को चीरता हुआ नीचे पृथ्वी के तह में जा रहा है। नीचे 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 वो पृथ्वी में जा रहा है। अब आप उससे आग्रह कीजिए, पृथ्वी माँ, माँ पृथ्वी से आग्रह कीजिए कि वो इसका इस्तेमाल एक खाद के रूप में करें, क्योंकि हम अपनी गंदगी को ऐसे ही कहीं नहीं छोड़ सकते। अब अपना ध्यान वापस अपने शरीर की ओर केंद्रित कीजिए। आप पूरी तरह से स्वच्छ और खाली हैं इस वक्त। आपके शरीर के सारे रोग, सारे नकारात्मक विचार, आपने सब से इसको खाली कर लिया है। अब सूर्य के तेज सी एक किरण इंद्रधनुष रंगों की ऊपर से आपके सहस्र
चक्र से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। सात इंद्रधनुष के रंग लिए हुए वो आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, पूरे शरीर में फैल गई है। ये खुशी की किरण है जो आपके पूरे शरीर को एक आनंद से भर रही है। उस आनंद की अनुभूति कीजिए। आपका मन भर गया है उस आनंद से, उस शांति से। आपका शरीर भर गया है एक नई तरह की चुस्ती और स्फूर्ति से। आप इतना खुश महसूस कर रहे हैं, आप खुशी से इतना ज्यादा भर गए हैं, इतना ज्यादा भर गए हैं कि अब वो आपके शरीर में समा नहीं रही। और धीरे धीरे आपके क्राउन चक्रा से एक सेवन कलर्स फाउंटेन की तरह निकलकर आपकी पूरी ऑरा में स्प्रिंकल हो रही है। धीरे धीरे आपकी पूरी ऑरा उस इंद्रधनुषीय रंग से भरती चली जा रही है, फैल रही है। आप खुश हैं, संतुष्ट हैं, पूरी तरह से हैप्पी हैं। अब आप अपने आप से कहिए कि अब मैं बीते हुए कल से निकलकर आज के इस पल में जी रहा हूँ या जी रही हूँ। अब अपने आप मन की से रिपीट कीजिए ये सारे पॉजिटिव एफर्मेशंस। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं ऊर्जा और शक्ति से भरा हुआ हूँ या भरी हुई हूँ। सारे एफर्मेशंस बोलिए ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, जॉय एंड प्रोस्पेरिटी। जो भी और जैसा भी आप चाहते हैं उन सब को मेंटली रिपीट कीजिए। आज एक नया दिन है, मैं इसकी शुरुआत बहुत सकारात्मक विचारों से और एक नई चुस्ती और स्फूर्ति के साथ करने वाली हूँ। महसूस कीजिए उस खुशी को, महसूस कीजिए उस शांति को, महसूस कीजिए उस आनंद को जिससे आप पूरी तरह भर चुके हैं, जो आपके चारों ओर फैल चुका है। आपके संपर्क में आने वाले हर इंसान को भी आज इसी खुशी का अनुभव होने वाला है। कुछ पल इसी तरह रहिए आंखें बंद करके। जब आप पूरी तरह से नियंत्रण में हो, धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अपनी हथेलियों को एक दूसरे के साथ रगड़कर अपनी आंखों पे लगाइए। आप एक आनंदमय और सकारात्मक दिन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि क्या मैं आपकी मदद कर पा रही हूँ।